नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। असम में कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाजोट महागठबंधन टूटने की कगार पर थी। सोमवार को कांग्रेस ने घोषणा की कि उसने बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली AIUDF और आदिवासी पार्टी BPF से गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में कहा गया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी के संबंध में AIUDF के व्यवहार और रवैये ने उनकी पार्टी को चकित कर दिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता बोबिता शर्मा ने कहा कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF नेतृत्व और वरिष्ठ सदस्यों ने लगातार और रहस्यमय तरीके से बीजेपी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रशंसा करते हुए कांग्रेस की जनता की धारणा को प्रभावित किया। इस संबंध में एक लंबी चर्चा के बाद कोर कमेटी असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि AIUDF अब महाजोत का गठबंधन सहयोगी नहीं कर सकता और इस संबंध में AICC को सूचना भेजेगा। तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाजोत अब खतरे में नजर आ रही है। दरअसल ये महागठबंधन टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। आप बता दें कि असम में कांग्रेस में लगातार उथल पुथल देखने के लिए मिल रही है और तमाम जो उतार चढ़ाव है वो भी कांग्रेस में लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। और सिर्फ असम में क्यों, तमाम ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, जहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, वहां पर कांग्रेस टूटने की कगार पर नजर आ रही है। उसी कड़ी में कांग्रेस नेतृत्व वाली महाजोत महागठबंधन टूटने की कगार पर है। सोमवार को कांग्रेस ने घोषणा की कि उसने बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली AIUDF और आदिवासी पार्टी BPF से गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा की अध्यक्षता में कोर कमेटी की एक बड़ी बैठक हुई और जिसमें कहा गया कि सत्तारूढ़ बीजेपी के संबंध में AIUDF के व्यवहार और रवैये ने उनकी पार्टी को चकित कर दिया है, यानी कि सोचने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता बोबिता शर्मा ने कहा कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF नेतृत्व और वरिष्ठ सदस्यों ने लगातार और रहस्यमय तरीके से बीजेपी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रशंसा करते हुए कांग्रेस की जनता की धारणा को प्रभावित कर दिया। इस संबंध में एक लंबी चर्चा के बाद कोर कमेटी असम प्रदेश अध्यक्ष कमेटी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि AIUDF अब महाजोत का गठबंधन सहयोगी नहीं है और इस संबंध में AICC को भी सूचना भेज दी गई है। वहीं यूपी के पीलीभीत में लंबे समय से पुलिस के संरक्षण में संगठित रूप से जुआ खेला जा रहा था। मामले में पुलिस और जुआरियों के लेन देन का एक ऑडियो सामने आया है। वहीं ऑडियो सामने आने के बाद नवगत CO और SP की सख्ती के बाद कोतवाली पूरनपुर पुलिस ने जुआरियों के अड्डे पर दबिश देकर 7 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप ये है कि दबिश के दौरान जुआरियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि पूरे मामले में पूर्व CO और मौजूदा इंस्पेक्टर आरोपों के घेरे में नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सबलपुर का है, जहां SP के निर्देश पर पूरनपुर पुलिस ने रात के समय दबिश देकर 7 जुआरियों को पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 16,000 रुपए की नकदी, 1 तमंचा, कारतूस सहित 2 गाड़ियां भी बरामद की हैं। इस मामले में एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें सिपाही रोहित चौधरी पकड़े गए आरोपी यूसुफ सिंह के बेटे से बात कर रहा है और आपको भी वो ऑडियो हम सुनवाते हैं कि पुलिस और आरोपी के बीच किस तरह की बातचीत हुई है। हाँ भाई, नमस्ते भाई। नमस्ते भाई, मैं छोटू बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बता। अरे यार, क्या मामला है ये यार? अरे यार कुछ नहीं यार, हमारे पढ़े लिखे भी ठीक, हमने कहा कि सब सब बात थी, सब कुछ था यार। मेरी बात सुन, मेरी हार हो गई। CO साहब से बात थी, उधर बात थी, तुम्हारी गलती बता भाई, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं। CO साहब से ही बात थी, इंस्पेक्टर साहब से ही बात। सुनो मेरी बात सुनो, पिछले CO चले गए, CO ने रेल डाल दी। हाँ। मेरी गलती बता भाई, तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब को देखना चाहिए था कि इंस्पेक्टर साहब जो यार फिर वही बात भाई, भाई। मैं तो अब भी तुम्हारे साथ तैयार हूँ, बताओ। तुम तो साथ में तैयार हो, लेकिन अब जो पापा वाला तो मामला देख लो, यूसुफ वाला। यूसुफ वाला क्या हो गया? अरे पापा जो है ना बंद है यूसुफ, उन्हीं वाला मामला वही बच जाते, ताली बाली ना बचते। पिताजी वही है,
पिताजी भी वही है सूबे यार, जुए में से भोगी थे जुए। मेरे भाई सुनो, मैं सुनो मेरी बात सुन, मैंने बता दे भाई सीओ साहब चले गए तो उन्हें तो कुछ सोचना चाहिए था ना, यही सोचना चाहिए बता। हाँ वो तो यार सुन, उनसे ताली बात से पूछ लेना कि रोहित ने सीओ साहब चले गए। वो तो यार ठीक है, लेकिन 1.5 लाख रुपया महीने या कितने जा रहे हैं, तो जो भी जा रहे हैं मुझे तो पैसों बाहर मालूम है। डेढ़ जाओ तो हम यार, हाँ सुन, हाँ अगर मैं 1 रुपया गुनाहगार हूँ ना, तुम तो भैया जैसे हो, तुम्हें तुम्हारे ऊपर तो था ना मिला, लेकिन जिस पट्टा साहब को अभी इतना पापा वाला तो बचाना चाहिए, उन्हें जब इतनी नॉलेज भी थी सब कुछ मालूम है उन्हें। यार छोटू भाई एक बात तुम्हारी बात सही है, मैं गुनाहगार हूँ कहीं तुम मुझे कह रहे हो, ताली बात को नहीं बताया तब मुझे कह सकते हो कि हाँ। अब ये बताओ जो उनसे लिया है, अब कितनी बड़ी बेइज्जती वाला मामला है इसमें यार। बेइज्जती तो सारी मेरी खुद है यार, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। अब जो भी मामला चल रहा है रोहित भाई का, रोहित भाई का मामला चल रहा है यार। नौकरी दांव पे रखी यार तुम तो यार, अपनी बात नौकरी भी दांव पर रखी है पहले। अच्छा तुम मिले ना मुझे रास्ते में? मैं मिला था आज, मुझे भी फिर भी पता नहीं था मुझे, दोस्तों मुझे कुछ मालूम भी नहीं था यार रोहित भाई। तो कुछ भी नहीं आया, तुम तो छुटके आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, मेरे तो नौकरी दांव पर रखी है। अरे छुटके तो आ जाएंगे, चलो जुगन केस है जुगन छुटके आ जाएंगे। वो तो कह रहे हैं मुड़ भैर दिखाएंगे, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं। अरे कुछ नहीं, तो बहुत उल्टी बात कह रहे हैं, मुड़ भैर दिखाएंगे जगह है। मेरी बात सुन, हाँ भाई मेरी गलती बता भाई, मेरी गलती है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है रोहित भाई, बस तो मैं तो भाई खराब हुई पूरी गलती। मेरी बात सुन, कल ताली भाई आए थे मिले थे कश्मीर में, बता देने तो उसके बाद मेरी गलती क्या है? फिर हल्के के दरोगा जी भी थे, कौन से हल्के? 3 नंबर है, कौन सा लगा हल्का? वही भी हो, 3 नंबर वाले से बात थी उनकी। 3 नंबर वाले हल्के में दरोगा जी कौन होंगे? जो भी पकड़ने गया सिपाही, उससे बात थी सिपाही। बात बताओ, मेरी गलती बताओ भाई, ये गलती है। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो अपनी जगह ठीक हो। तो फिर अब जो इस पट्टा साहब जो पैसे ले रहे थे सब्सक्रिप्शन मामला का, दरोगा जी भी पैसे ले रहे थे, चलो सीओ साहब नए बदल गए थे, सीओ साहब को कुछ नहीं पता था, इंस्पेक्टर साहब थे, पूरा पूरा डिपार्टमेंट को तो मालूम था। हाँ भाई नमस्ते भाई। नमस्ते भाई, मैं छोटू बोल रहे हूँ। हाँ हाँ बता। अरे यार क्या मामला है ये यार? अरे यार कुछ नहीं यार, हमारे पढ़ी लिखी होगी, सब सब बात थी, सब कुछ था यार। मेरी बात सुन, सीओ साहब से बात थी, उधर बात थी, मेरी गलती बता भाई, तुम्हारी गलती थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं, सीओ साहब से ही बात थी, इंस्पेक्टर साहब से ही बात। सुनो मेरी बात सुनो, पिछले सीओ चले गए, ये सीओ ने रेड डाल दी, मेरी गलती बता भाई, तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब को देखना चाहिए था कि इंस्पेक्टर साहब जो गलती। फिर वही बात भाई, मैं तो अब तुम्हारे साथ तैयार हूँ, ये बताओ। तुम तो साथ में तैयार हो, लेकिन अब जो वाला तो मामला देख लो, यूसुफ वाला। यूसुफ वाला क्या हो गया? अरे पापा जो है ना बंद यूसुफ, उन्हीं वाला मामला वही बच जाते, ताली बाली ना बचते। पिताजी भी वही, पिताजी वही है, पिताजी भी वही है सुबह यार, जुए में से भोगी थे जुए। मेरे भाई सुनो, मैं सुनो मेरी बात सुनो, मैंने बता दे भाई सीओ साहब चले गए तो उन्हें तो कुछ सोचना चाहिए था ना, ये सोचना चाहिए बता। हाँ वो तो यार सुन, उनसे ताली बाली से पूछ लेना कि रोहित ने सीओ साहब चले गए। वो तो यार ठीक है, लेकिन 1.5 लाख रुपया महीने या कितने जा रहे हैं, तो जो भी जा रहे हैं मुझे तो पैसों बाहर मालूम। डेढ़ जाओ तो हम यार, हाँ सुन, हाँ अगर मैं 1 रुपया गुनाहगार हूँ तुम तो भैया जैसे हो, तुम्हें तुम्हें ऊपर तो था ना मिला, लेकिन जिस पट्टा साहब को अभी इतना पापा वाला तो बचाना चाहिए, उन्हें जब इतनी नॉलेज भी थी सब कुछ मालूम है उन्हें। यार छोटू भाई एक बात तुम्हारी बात सही है, मैं गुनाहगार हूँ कहीं तुम मुझे कह रहे हो, ताली बात को नहीं बताया तब मुझे कह सकते हो कि हाँ। अब ये बताओ जो उनसे लिया है, अब कितनी बड़ी बेइज्जती वाला मामला है इसमें। यार बेइज्जती तो सारी मेरी खुद है यार, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। अब जो भी मामला चल रहा है रोहित भाई का, रोहित भाई का मामला चल रहा है यार। नौकरी दांव पर रखी यार तुम तो यार, अपनी बात नौकरी भी दांव पर रखी हो पहले। अच्छा तुम मिले ना मुझे रास्ते में? मैं मिला था आज, मुझे भी फिर भी पता नहीं था मुझे, दोस्तों मुझे कुछ मालूम भी नहीं था यार रोहित भाई। तो कुछ भी नहीं आया, तुम तो छुटके आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, मेरे तो नौकरी दांव पर रखी है। अरे छुटके तो आ जाएंगे, चलो जुगन केस है जुगन छुटके आ जाएंगे। वो तो कह रहे हैं मुड़ भैर दिखाएंगे, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं। अरे कुछ नहीं, तो बहुत उल्टी बात कह रहे हैं, मुड़ भैर दिखाएंगे जगह है। मेरी बात सुन, हाँ भाई मेरी गलती बता भाई, मेरी गलती। तुम्हारी कोई गलती नहीं है रोहित भाई, बस तो मैं तो भाई साहब खराब हूँ, सब बात पूरी गलती मेरी बात सुन।
कल काले भाई आए थे मिले थे कस्बे में बताया, तो इसके बाद में अभी गलती क्या है? फिर हल्के के दरोगा जी भी थे, कौन से हल्के? तीन नंबर है, कौन सा लगा हल्का? वही भी तीन नंबर वाले से बात थी उनकी, तीन नंबर वाले हल्के में दरोगा जी कौन होंगे? जो भी पकड़ने गया सिपाही उससे बात थी, सिपाही बात बताओ, मेरी गलती बताओ, मेरी गलती बताओ। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो अपनी जगह ठीक हो। तो फिर अब जो इस पट्टा साहब जो पैसे ले रहे थे सब्सक्रिप्शन ले मामला का, दरोगा जी भी पैसे ले रहे थे, चलो सीओ साहब नए बदल रहे थे, सीओ साहब को कुछ नहीं पता था, इंस्पेक्टर साहब थे, पूरा पूरा डिपार्टमेंट को तो मालूम था। ऑडियो भी आपने सुना है किस तरह से यहाँ पर पुलिस के साथ गार्ड से जो जुआरी है वो जुआ खेलते थे और लगातार जो अड्डा है वो और ज्यादा फल फूल रहा था। वहीं यूपी के सहारनपुर के मोहल्ला चौताला में मकान धराशाही हो गया। गनीमत रही कि ये बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल सोमवार की सुबह मोहल्ला चौताला में बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां वनु शर्मा उर्फ चिंटू का मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। सुबह के समय कोई भीड़ न होने के कारण किसी तरह की कोई जनहानि होने से बच गई। जानकारी के मुताबिक सोमवार की सुबह 4 बजे के समय तेज आवाज के साथ एक मकान धराशाही हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। तो सहारनपुर का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक मकान जो है धराशाही होकर भरभरा कर जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि कोई उस वक्त घर में मौजूद नहीं था, वरना ये बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत बचाव का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ ये रही कि घर में कोई मौजूद नहीं था, आसपास के लोग जो हैं वो भी इससे क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं। स्थानीय निवासी हमारा, ये क्या कर रहे हैं? मकान गिरने का बारिश है, पुराना मकान है, पुरानी कंस्ट्रक्शन है, तो हमें रिनोवेट करवाना था, चेंज हो रहा था, गिर गया बारिश की वजह से। किसी की चोट वगैरह कुछ नहीं? कोई कुछ नहीं, किसी की जान का कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं हुआ, सब सेफ हैं, किसी के मकान को कोई परेशानी नहीं हुई है। केवल जो है हमारा सामान सब कुछ अंदर था, जैसे हम त्योहारों के लिए आते हैं, बस एक वही था और कुछ नहीं, कोई परेशानी किसी को नहीं है। कोई रहता भी था यहाँ पे? हाँ, मैं ही रहता था, मेरे चाचा रहते थे, हम ही रहते थे। भारी बारिश और तेज हवा के चलते जो पुराना मकान था वो धराशाही हो गया, लेकिन गनीमत रही कि उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, वरना ये बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं यूपी के ही गाजियाबाद में गरिमा गार्डन में कूड़े के ढेर में 8 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पूरा मामला थाना टीला मोड़ पर गाजियाबाद पब्लिक स्कूल के सामने स्थित गरिमा गार्डन का है, जहां एक घर के पास कूड़े में 8 साल की बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक शव 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय निवासी अमर चौधरी ने बताया कि बच्चे के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की आशंका है। ये डेड बॉडी अभी हमने देखी है, लगभग 7 से 8 साल की लड़की है, बच्ची है, और ये इसमें से जब हमने कट्टे में से खोल के देखी पुलिस वालों के साथ, तो इसमें तो इसमें बदबू भी आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 1 हफ्ता पुरानी डेड बॉडी है। हमें जो इसकी सूचना मिली है, ये सामने ग्राउंड है, उस ग्राउंड में से कोई पिकअप बैक हो रहा था, वो वापस मोड़ रहा था उसे, तो उसके कुंडे में नज गए, वो यहाँ तक आई। जब वो किसी ने देखी होगी या पड़ोस में ही है लड़के, उन्होंने देख के रोका होगा, सभी तेज पर कुछ जा रहा है पीछे लग गया, तो जब उन्होंने देखा तो उसमें लाश थी। इसकी पहचान हो सकी है अभी? नहीं, अभी इसकी कोई पहचान नहीं हो पाई, अभी पता नहीं चला ये बच्ची कहाँ की है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र भाची मेरे साथ गाजियाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद से पूरे मामले सामने आए हैं, गाजियाबाद में लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर सामने आई जहां पर एक मासूम बच्ची 8 साल की बताई जा रही है, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस क्या कह रही है?
देखिए बहुत दुखद खबर है, एक मासूम बच्ची का शव इस तरीके से मिल, अपने आप में चौंकाने वाली बात है। ये बच्ची की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, बोरे में भरकर इसके शव को फेंका गया था। गरिमा गार्डन इलाका है, टीला मोड़ एक इलाका पड़ता है, वहीं पर ही नया थाना बना है, टीला मोड़ थाना, उसकी चौकी क्षेत्र आती है सिकंदरपुर, उस क्षेत्र में गरिमा गार्डन है, गरिमा गार्डन में ये बॉडी मिली है। अभी फिलहाल सनसनी का माहौल है, क्योंकि वो जहां पर मासूम बच्चे और तमाम लोग वहां पर खेलते थे उस ग्राउंड के पास, वहीं इस बच्ची का शव मिला है। पुलिस का कहना है कि बच्ची की तस्वीर को वायरल किया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है और शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरीके से बसापत वाले इलाके में, यानी कि रेजिडेंशियल इलाके में, जिस तरीके से बच्ची बिल्कुल जितेंद्र और जो तस्वीरें हमारे सामने हैं उससे ये लग रहा है कि ये जो पूरा इलाका है बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका है। अचानक यहाँ पर एक बोरे में बच्ची का शव मिलता है, सनसनी फैल जाती है आसपास। क्या कोई सीसीटीवी कैमरा है, क्या उसे खंगाला जा रहा है? देखिए सीसीटीवी उस इलाके में हालांकि कम इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन जो सड़क का एरिया है वहां पर सीसीटीवी लगे हुए हैं और पुलिस उनको लगातार चेक करने में लगी हुई है। फिलहाल सीसीटीवी का कोई ऐसा सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन बच्ची की तस्वीर को लगातार कई जगहों पर, कई थानों में सेंड किया गया है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही सुराग लगाया जाएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। फिलहाल जिस तरीके से बच्ची का शव मिला है, बच्ची की उम्र लगभग 8 से 10 साल बताई जा रही है, तो पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है, क्योंकि अमूमन तौर पर देखा जाता है कि उस ग्राउंड, जिस ग्राउंड में बच्ची का शव मिला है वहां पर बच्चे अक्सर खेला करते हैं, और यहां पर ही बोरे के अंदर बंद एक बच्ची की लाश मिलना सड़े गली अवस्था में। जितेंद्र, क्या पोस्टमार्टम के लिए बच्ची के शव को पहुंचा दिया गया है? आसपास के लोग क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है, कितने दिन पुरानी बॉडी हो सकती है? देखिए बॉडी को काफी समय तक उसी मोहल्ले में आसपास रखा गया था और बच्ची के शव का चेहरा भी ओपन किया गया था, जिससे कि उसकी, लेकिन अब बच्ची के शव को तो हालांकि पहचाना नहीं है लोगों ने। फिलहाल तस्वीरों को लगातार वायरल किया जा रहा है कि बच्ची की शिनाख्त हो सके। फिलहाल बच्ची का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया। जी जितेंद्र, क्या जो बच्ची का शव है उस पर कोई चोट के निशान है, ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल, बच्ची के जो गले पर निशान है ऐसा प्रतीत होता है कि उसका गला घोटा है। हालांकि कुछ भी ऐसा कहना सही नहीं होगा जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, पुलिस जांच नहीं कर लेती। हालांकि ये जरूर बड़ा सवाल है कि अगर पुलिस पेट्रोलिंग करे तो उस आरोपी को पकड़ा जा सकता था जिसने इस लाश को यहाँ पर बोरे में बंद करके फेंका है। फिलहाल बच्ची का पंचनामा भर क्या जिस तरीके से बॉडी मिली है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बच्ची की अभी शिनाख्त नहीं हुई है, बच्ची की उम्र 8 से 10 साल बताई जा रही है। पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है, लोग दहशत में हैं। जितेंद्र, और ये जो बच्ची का शव है वो सबसे पहले किसने देखा और कब देखा, कितनी देर पहले देखा गया ये शव? काजोल, अभी से लगभग ये 45 मिनट पहले की बात है जब ये बच्ची का शव, यानी कि जो बोरा है वो देखा गया था सारे लोगों के द्वारा, क्योंकि वो आकार में बच्ची का, यानी कि एक मानव का शव दिख रहा था, और जब आकार में ऐसा लगता है तो जाहिर तौर पर स्थानीय पुलिस को संपर्क किया गया, लेकिन जब बोरे को खोला गया तब पता चला कि वो बच्ची का शव है जिसकी उम्र 8 से 10 साल बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि किसी वाहन के साथ में वो इलट के बोरा सड़क पर आ गया था, यानी उस जगह पर आ गया था जहां पर लोगों की उस पर नजर पड़ी, और वो बोरा काफी समय से वहां पर पड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस पेट्रोलिंग करे तो पता लगे कि आखिर इस तरीके की जो शव को डंपिंग ग्राउंड बनाने की कवायद है बदमाशों की गाजियाबाद में, वो किस तरीके से खत्म हो, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल निशान जरूर पड़ा होगा। बिल्कुल जितेंद्र, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, हम अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो गाजियाबाद का ये पूरा मामला जहां पर एक मासूम बच्ची, 8 साल की बच्ची बताई जा रही है, और कुछ देर पहले की ये खबर सामने आई है जहां मासूम बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, तस्वीरें आप देख ही सकते हैं, आसपास लोगों की भीड़ है और शव जो है वो 8 या 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। बोरे में बंद करके इस शव को यहाँ फेंका गया है, आसपास जो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये लड़की कौन है और इसकी हत्या कैसे की गई है, इस पर कुछ भी पुलिस की तरफ से नहीं बोला गया है। वहीं यूपी के हरदोई में सरेराह बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी महिला की सोने की चेन लूट ली और फरार हो गए।
वहीं घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में लूटपाट की पूरी वारदात कैद हो गई। दरअसल पूरा मामला कोतवाली शहर इलाके के आवास विकास कॉलोनी का है। आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले डॉक्टर विशाल वर्मा की पत्नी गीता वर्मा मंदिर जाने की तैयारी में थी। दोनों पति पत्नी घर के बाहर खड़े थे, तभी अचानक एक बाइक पर सवार दो बदमाश गली से गुजरे और गीता वर्मा के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुट गई है। यानी कि चेन स्नैचिंग की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और ये मामले अब भी कम नहीं हुए हैं। चाहे वो ग्रामीण इलाके हों, चाहे वो पॉर्च इलाके हों, ये चेन स्नैचिंग के मामले जो हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है आप देख सकते हैं, घर के बाहर ही ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसमें ये सारी जो वारदात है वो कैद हो गई है। महिला यहां पर आराम से खटी है और घर की तरफ देखती हुई नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही वहां पर एक बाइक आती है उस पर दो बदमाश सवार हैं और महिला की गर्दन पर झपट्टा मारते हैं और आसानी से जो चेन है वो लूट कर फरार हो जाते हैं। उन्नीस साल 10 महीने और 25 दिनों के बाद अमेरिका ने आखिरकार अफगानिस्तान को छोड़ ही दिया। दो दशकों की लड़ाई लड़ने के बाद अमेरिका यहां से लौटा है, जिसे एक बड़ी हार भी माना जा रहा है। सोमवार की देर रात को जब अमेरिका का आखिरी विमान काबुल एयरपोर्ट से उड़ा तो तालिबान के लड़ाकों ने जमकर जश्न मनाया। काबुल की सड़कों पर तालिबान द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई। अमेरिका के काबुल छोड़ने के बाद अब काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। यानी अगर आप किसी को देश से बाहर जाना है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर देश से बाहर जाना चाहता है तो तालिबान की इजाजत के बाद ही जाना होगा। अगर आप इजाजत नहीं मांगते तो आपका क्या हश्र होगा आप ये भी नहीं जानते। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल है। यही कारण है कि करीब 20 साल की इस लड़ाई का जश्न मनाने में तालिबान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अमेरिका के वापस लौटते ही नॉन स्टॉप हवाई फायरिंग की गई और जश्न मनाएगा। सिर्फ फायरिंग ही नहीं, तालिबान की ओर से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पटाखे भी चलाए गए हैं और आसमान को रोशन कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये अमेरिकी सेना का जो विमान है वापस यहां से अमेरिकी सेना लौटते हुए, जिसके बाद जश्न की तमाम तस्वीरें सामने आई है। यानी कि अगर आप अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो तालिबान से आपको परमिशन लेनी होगी। तालिबान परमिशन देता है तभी आप बाहर जा सकते हैं, वरना आपको अफगानिस्तान में ही रहना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं जश्न की तस्वीरें, तालिबान लगातार जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। 20 साल बाद आखिरकार अमेरिकी सेना पूरी तरह से वापस लौट गई है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोई ना कोई मकसद और राज छिपा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इस बीच मंगलवार सुबह महाराष्ट्र के औरंगाबाद से भूस्खलन की खबर सामने आई। यहां भारी संख्या में भूस्खलन देखने के लिए मिल रहा है। कई गाड़ियां भूस्खलन के मलबे में दब गई हैं। सड़क बंद होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है, कोई गाड़ी इस इलाके से गुजर नहीं पा रही है। पुलिसकर्मी मलबा हटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों में कम दबाव का क्षेत्र होने से मुंबई और इनके उपनगरों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है, अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 घंटे के दौरान पूर्व, दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर, उत्तर दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, मेरठ और मोदीनगर के अलग अलग स्थानों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है और झमाझम बारिश भी दिल्ली और नोएडा में देखने के लिए मिल रही है। नेपाल की उलेमाओं का प्रतिनिधि मंडल दरगाह आला हजरत पहुंचा, जहां पर दरगाह पहुंचकर सजादा नशीन से की मुलाकात, दरगाह पर चादर भी चढ़ाई गई। प्रतिनिधि मंडल ने उलेमाओं के साथ शिक्षा और सामाजिक हालात पर भी चर्चा की है। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से मधुर रहे हैं। नेपाल में दीनी तालीम से छात्रों को जोड़ा जा रहा है। नेपाली मदरसों की पढ़ाई बरेली मदरसों से ताल्लुक रखती है। बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उलेमाओं का जो प्रतिनिधि मंडल है वो दरगाह आला हजरत पहुंचा। नेपाली मदरसों की पढ़ाई बरेली मदरसों से ताल्लुक रखती है, ऐसी तमाम बातें यहां पर रखी जा रही हैं। वहीं नेपाल और जो भारत के रिश्ते हैं उसका भी जिक्र यहां पर किया गया है।
तो बरेली की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर उलेमाओं का प्रतिनिधि मंडल जो है वो दरगाह आला हजरत पहुंचा। इस दौरान उन्होंने नेपाल और भारत के रिश्ते को लेकर तमाम बातें भी रखी हैं। वहीं गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र में विवादित जमीन में हो रहे निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों के लोग हाथों में फावड़ा लिए एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य रोके जाने के बाद हालात बिगड़े, जिसके बाद दोनों पक्ष में विवाद हो गया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया है। जैसे ही पुलिस को मामले का पता चला, पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, छानबीन भी शुरू कर दी है। कुछ लोग जो हैं यहां से भाग गए हैं, लेकिन कुछ लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। ईंट पत्थर सरिया फावड़ा जो भी यहां पर लोगों को दिखाई दे रहा है, लोग उसी से ही एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।